क्यों राधा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को मार सकता हूं या नहीं? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। करना कौन चाहता है राधा, करना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे करना पड़ा है। अपने परिवार के एक सदस्य को खोना पड़ा है। क्या किया है तुमने सपने? क्या किया है तुमने? नहीं राधा, मैं अपने जुबान से नहीं कह पा रहा हूं। तुम खुद ही देख लो, ये पहचाना? ये तो संदीप दादा की चीज है। कहाँ है संदीप भैया? मैं पूछती हूँ, कहाँ है संदीप दादा? बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं तुम्हें राधा कि संदीप दादा कहाँ है? संदीप दादा वहां पहुंच चुके हैं जहां पे कोई जिंदा इंसान नहीं पहुंच सकता। तो तुम एक काम करो, अब से संदीप दादा को स्वर्गीय संदीप नेरुकर बुलाओ। कह दो कि ये झूठ है। कैसे कहूं राधा, कैसे कहूं कि ये झूठ है, क्योंकि ये सच है राधा। ये सच है कि अब दादा तो नहीं रहे, पम्मी भाभी विधवा हो गई और मेरे तो छोटे छोटे भतीजे अनाथ हो गए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से उनके सर से बाप का साया उठ गया। भगवान संदीप दादा की आत्मा को शांति दे और मेरी बेचारी राधा को सद्बुद्धि दे। राधा, आई हेट टीयर्स। मुझे ये आंसू पसंद नहीं है राधा, ये रोना धोना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज तो आओगी नहीं, और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अभी इस परिवार की और भी सदस्य है जिन्हें स्वर्गवासी होना है।